बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के नोट्स की। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है यार ये, है ना, इट इज़ द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बोन। ठीक है, बट जो बोन मिनरल एंड मैट्रिक्स का रेशियो वो कॉमन रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स और जो मिनरल है उसका जो रेशियो वो नॉर्मल रहेगा, बट जो बोन है वो कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में पोर आ जाते हैं, पोरस बोन। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि बोन मिनरल एंड मैट्रिक्स का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, बोन मिनरल एंड मैट्रिक्स का जो रेशियो वो नॉर्मल रहेगा, पोरस हो जाएंगे बोन। मैट्रिक्स एंड मिनरल का जो रेशियो है वो रिकेट्स के अंदर कम हो जाता है, वो ऑस्टो मलेशिया में कम हो जाता है, बट वो ऑस्टियोपोरोसिस में कम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। सो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? इट इज द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बोन बट रेशियो ऑफ मिनरल अपॉन मैट्रिक्स ये जो है ये नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे बोन कैसे हो जाते हैं? पोरस, पोरस बोन। इटियोलॉजी की बात करें तो, कारण की बात करें तो प्राइमरी इटियोलॉजी है ना, प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है? ये पोस्ट मिनोपॉजल एंड ओल्ड एज वुमेन में देखने को मिलता है यार ये। सेकेंडरी कॉजेस की बात करें तो, अगर उनको COPD कोई वुमेन को है, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज है, या फिर यहाँ पे हाइपो फॉस्फेटीमिया है, बिकॉज फॉस्फेट और कैल्शियम साथ साथ चलते हैं, भाई भाई हैं, फॉस्फेट कम हो तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। हाइपो फॉस्फेटीमिया के केस में, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी के केस में, है ना, इमोबलाइजेशन, अगर बहुत समय तक कोई मूव नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो उसमें जैसे कि सीडेंट्री जो स्टूडेंट्स आज के बारे में जो कोचिंग कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के, वो उनमें भी देखने को मिल जाता है यार, बिकॉज ऑफ द इमोबलाइजेशन। लीवर डिसीजेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास चांसेस है कि क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना, ठीक से अगर खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट इज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो, क्लिनिकल फीचर्स में स्टेरॉइड्स अगर कोई ले रहा है तो उसमें हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। दिस आर द सेकेंडरी कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी क्या है? पोस्ट मेनोपॉजल एंड ओल्ड एज वुमेन, जनरली इसमें देखने को मिलता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो, क्लिनिकल फीचर्स में ऑस्टियोपोरोसिस में क्या देखने को मिल सकता है यार? बैक एक है ना, पीठ पे दर्द हो सकता है, जनरली कमर पे दर्द होता है ना महिलाओं का बूढ़े एज में, तो वही मेन कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का, आप समझ सकते हो, मेन क्लिनिकल फीचर है। एंड एक तरह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर या फिर कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा भी हो सकता है यार, एंड ट्रॉमा हुआ तो आसानी से तो फ्रैक्चर हो ही जाएगा, है ना, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर और कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो, इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे की बात कर सकते हैं, एक्सरे में हमारे पास ऑस्टियोपेनिया देखने को मिलेगा, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, रेशियो नॉर्मल रहेगा बट मैट्रिक्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ALP की बात करें तो, एलानिन फॉस्फेट वो बढ़ा हुआ रहेगा, एलानिन फॉस्फेट यार, वाइटामिन डी की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमारे पास मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट में देखने को मिलेगा, बिकॉज सेकेंडरी कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में हमने देखा हाइपर थायराइडिज्म भी है यार। ठीक है, तो ये हमने देखा इन्वेस्टिगेशन की बात। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो, क्या ट्रीट करेंगे भाई, कैसे ट्रीट करेंगे, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस को? तो पहले जनरल मेजर्स की बात करें तो, जनरल मेजर्स में क्या क्या ले सकते हैं यार? पहले तो अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बोन बनेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बोन नहीं बनेगा यार। इसीलिए तो स्पेस में जाने के बाद लोगों को एक्सरसाइज किया जाता है, बैठने नहीं रहना है बिकॉज बोन का मास खत्म हो जाएगा, एंड गिरने से बचना है यार, है ना, बिकॉज जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा गिर जाएंगे तो। अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर द रिस्क फैक्टर फॉर एवरी डिसीज जो दुनिया में है अपने पास। और क्या है भाई, यहाँ पे स्टेरॉइड्स को कंटिन्यू नहीं करना है, कभी भी स्टेरॉइड्स को लेने से पहले सोचना है कि अगर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस है, ओल्ड एज वुमेन है, तो चांसेस हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो स्टेरॉइड्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कि जनरल केसेस की बात की, जनरल ट्रीटमेंट की बात की, ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो, वाइटामिन डी कम हो गया तो वाइटामिन डी की टेबलेट ले सकते हैं भाई, 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, हमने देखा था कि जनरली हमको चाहिए कितना भाई, है ना, 200 चाहिए, है ना, एडल्ट्स में, प्रेगनेंट वूमन में तो 400 है,
ठीक है, तो ये हो गया वाइटामिन डी। कैल्शियम की बात करें, 1200 टू 1500 मिलीग्राम पर डे का कैल्शियम लेंगे और वाइटामिन डी लेंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बाई फॉस्फोनेट्स दे सकते हैं, बाई फॉस्फोनेट्स। बाई फॉस्फोनेट्स के अंदर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट एल्ड्रोनेट, एंड हम बात कर सकते हैं अबाउट पेमिडोनेट। पेमिड्रोनेट फोर्थ है हमारे पास। लो डोज एस्ट्रोजन दे सकते हैं यार, बिकॉज मेन कॉज जो है एस्ट्रोजन की कमी से, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और क्या दे सकते हैं, लो डोज एस्ट्रोजन एंड SERM, दैट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये दोनों कहाँ पे देंगे, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। ओके, एंड जिसमें SERM में हमारे पास दे सकते हैं रोलेक्सीफेन यार, है ना, रोलेक्सी फैन, जो कि कितना दे सकते हैं यहाँ पे, 60। रोलेक्सीफेन कितना, 60 मिलीग्राम पर डे ओरल टैबलेट्स आते हैं, वो दे सकते हैं। एंड और क्या दे सकते हैं यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, टेरी पैराटाइड, है ना, ये डेली दे सक देना है, समझ लेना, सब क्यूटेनियस होता है ये, इंजेक्शन होता है, 2 ईयर्स तक देना होता है, क्योंकि इट इज़ अ PTH एनालॉग, 2 ईयर्स दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हमने ट्रीटमेंट की बात की, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, इटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, OBGY के अंदर आ ही सकता है, एंड मेडिसिन के अंदर भी आता है यार, तो एक सब्जेक्ट मानना है फोर्थ ईयर को पूरा, बिकॉज डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, सारे बीमारी ट्रीट करता है।